हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे कावासाकी की आने वाली बिल्कुल ही नई बाइक कटाना। जैसा कि दोस्तों हम आपको बताते हैं कि सुजुकी ने इंटरमोड 2080 में कावासाकी दमदार सुपर बाइक Z900RS को रोडस्टर से प्रभावित होकर अपनी बाइक कटाना को पेश किया है। बाइक में अगर बात करें तो 1000cc के बेहद ही ज़्यादा पावरफुल इंजन देखने को मिलता है, जो कि अधिकतम 150 BHP की पावर और 108 Nm का टार्क प्रदान करता है। इसके साथ ही दोस्तों इसके इंजन में 6-speed गियरबॉक्स द्वारा ये संचालित है और बाइक में फुल LED लाइट देखने को मिलती है। इस बाइक लोगों की पसंद के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि इसमें एक मैक्यूलर लुक दिया गया है और मैक्यूलर लुक के साथ ये जो बाइक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती है। इस बाइक के फ्रंट में आपको ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ इसमें रियल में आपको डिस्क ब्रेक भी इसमें मिल जाते हैं। साथ ही में अगर बात करें इस बाइक के ड्यूल चैनल ABS और इसके कोरोनियर की ABS के साथ इसमें स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। बाइक जो है वो पूरी तरह से ड्यूल टोन पेंट स्कीम पर रंगा गया है। इसके साथ ही रियल में बेहद ही मोटे टायर्स और इस बाइक को रोड पर बेहतरीन पकड़ प्रदान करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें इस सुपर बाइक के लिहाज से, इस बाइक के अंदर फ्यूल टैंक जो है वो सिर्फ 12 लीटर का दिया गया है, जिसकी वजह से ये होगा कि राइडर जो है वो 150 किलोमीटर का सफ़र करता है, उसके बाद में उसको फ्यूल टैंक वापस ज़रूरत पड़ सकती है भरवाने की। अब अगर बात करें इस बाइक की अगर कीमत के बारे में, तो हम आपको बताते हैं कि इसकी जो कीमत है वो तकरीबन 9 लाख रुपये के समथिंग हो सकती है। आई होप कि दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।